नमो नमः, आपका स्वागत है वैदिक जीवन यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज जिस पुस्तक को हम लोग देख रहे हैं उसका शीर्षक है वीर बालक, जो आती है गीता प्रेस गोरखपुर से। पुस्तक का कोड है 1437। एक सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने आग्रह किया था कि इस पुस्तक का वीडियो अपलोड करें हम लोग, तो थोड़ा सा ये पुराना बुक है, थोड़ा सा ये बुक यूज़ किया हुआ है, फ्रेश नहीं है। चलिए देखते हैं आगे इसका माप ले लेते हैं। माप इसका 5.25 इंच चौड़ा है ये, इसकी जो लंबाई है वो है 8 इंच। सॉफ्ट कवर की बुक है ये, और ये विशेषता ये पुस्तक है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां हैं इसमें। चलिए अंदर देखते हैं। तो ये है अंदर का, और रंगीन प्रिंट है बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा आकर्षक बनाया गया है। पुस्तक का मूल्य है मात्र 20 रुपये। यहाँ लिखा हुआ कल्याण के बालक अंक में प्रकाशित 19 वीर बालकों के छोटे छोटे सचित्र चरित्र इस पुस्तक में बालकों के लिए ही प्रकाशित किए गए हैं। जिन जिन पुस्तकों के आधार पर चरित्र लिखे गए हैं उनके लेखकों के हम हृदय से कृतज्ञ हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार। तो ये निवेदन था। तो इसमें देखिए 19 कहानियां हैं। वीर बालक लौकुश, वीर बालक कुवल्यास्व, वीर असुर बालक बर्बरिक। तो इस प्रकार से इसमें 19 कहानियां हैं जो वास्तविक है, कल्पना नहीं, काल्पनिक नहीं है, इतिहास है हमारा। और ये बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई हैं, बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक है इसमें कहानियां, और छोटी छोटी हैं। जैसे देखते हैं वीर बालक लौकुश, तो आप देखेंगे यहाँ से ये चालू होता है, ये 3, यहाँ पे ये अंत हो रहा है। तो 1, 2, 3, ये 4-5 पन्नों की कहानी है, और इसमें चित्र भी दिया हुआ है, रंगीन चित्र, ये रंगीन चित्र दिया हुआ है जिससे कि बच्चों की रुचि बनी रहे पढ़ने में पुस्तक को। अगली कहानी है ये, यहाँ भी चित्र है, और ये है देखिए, ये 3 पन्नों में ये कहानी है, छोटी कहानी है, और वीर असुर बालक बर्बरिक। अगर ये देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, ये थोड़ी सी बड़ी है परंतु बच्चों के लिए है। तो इस प्रकार से फिर ये है वीर बालक अभिमन्यु। फिर अगली कथा कहानी है वीर बालक भरत, जिनके नाम पे भारत देश का नाम पड़ा। वीर बालक स्कंदगुप्त, फिर है वीर बालक चंड। पुस्तक की पन्ने की क्वालिटी, छपाई सर्वोत्तम है जैसा गीता प्रेस की आती है। ये प्रणवीर बालक प्रताप, यहाँ पे चित्र है, ये छोटी सी कथा है, ये हमारा इतिहास है। बच्चों को अवश्य इस तरह की पुस्तकें पढ़ाएं आप, और ये मात्र 20 रुपये की पुस्तक है। 20 रुपये में काफ़ी महत्वपूर्ण ज्ञान बच्चों में ज्ञान मिलेगा, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा उनके चरित्र निर्माण में। और ये है वीर बालक बादल। इस प्रकार से इसमें 19 कहानियां हैं, और ये कुल पुस्तक की पन्नों की संख्या 80। एक बार मैं इसका ये दिखा दूं विषय सूची, आप ध्यान से देख लें, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, आप पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन सी कहानियां हैं इसमें। तो बहुत अच्छी पुस्तक है, 20 रुपये की मात्र, रंगीन चित्र के साथ, बच्चों की रुचि बनी रहेगी कि पुस्तक को पढ़ने में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा लिंक, जिसमें बच्चों की जो किताबें आती हैं गीता प्रेस से वो उसमें दी हुई हैं, और बच्चों की इंग्लिश किताबें भी आती हैं इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे पूछते हैं कि बच्चों के लिए इंग्लिश में आती है क्या पुस्तक गीता प्रेस में, तो आती है।
मैं जल्दी उसका भी अपलोड करने वाला वीडियो मैं कुछ दिखा देता हूँ। ये है पुस्तकें बच्चों की हैं, ये सारी इंग्लिश में है, तो ये सारा इनका वीडियो देखना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल को दबा के दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस जो भी आप वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।